तो दोस्तों फाइनली Redmi का फ्लैगशिप Redmi K20 चाइना में 28 तारीख को लॉन्च होने वाला है और दोस्तों इसका हर एक स्पेसिफिकेशन और इसका फर्स्ट लुक ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आने वाला है स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर, इंडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, पॉपअप सेल्फी कैमरा और दोस्तों इस फ़ोन में जो आपको परफॉर्मेंस मिलेगा वो दोस्तों किसी भी फ्लैगशिप फ़ोन से बेहतर होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसका जो एंटूटू स्कोर निकल के आया है वो किसी भी फ्लैगशिप फ़ोन से बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात करते हैं Redmi K20 के बारे में, क्या कुछ मिलने वाला है आपको इस फ़ोन में, क्या होने वाला है इसका कन्फर्म स्पेसिफिकेशन और कितने प्राइस में ये लॉन्च होने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ग्लास बैक जो कि ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ आने वाला है और उसके साथ ही यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा। वहीं पे अगर बात करें इसकी फ्रंट साइड की तो यहाँ पे आपको 6.39 इंच का OLED डिस्प्ले मिलने वाला है जो कि दोस्तों एक फुल व्यू डिस्प्ले होगा और उसके साथ ही यहाँ पे आपको इंडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और सेल्फी के लिए पॉपअप सेल्फी कैमरा भी मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर मिलेगा जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसका जो एंटूटू स्कोर है वो दोस्तों OnePlus 7 Pro से भी ज़्यादा है और उसके साथ ही यहाँ पे आपको एंड्रॉयड पाई का सपोर्ट मिलेगा जो कि MIUI 10 के साथ आएगा। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरास के बारे में। तो यहाँ पे आपको रियर साइड में मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरा जिसका मेन सेंसर होगा 48 मेगापिक्सल का और यहाँ पे आपको सोनी IMX586 का सेंसर मिलने वाला है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 8 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस भी मिलने वाला है। उसके साथ ही अगर बात करें इसकी सेल्फी कैमरा के बारे में तो यहाँ पे सेल्फी के लिए आपको 20 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। तो दोस्तों ये Redmi की तरफ से पहला फोन होगा जो कि पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ आने वाला है। वहीं पे अगर बात करें इसकी बैटरी के बारे में तो यहाँ पे आपको 4000 mAh का बैटरी मिलने वाला है जो कि क्वालकॉम क्विक चार्ज 4K सपोर्ट के साथ आएगा और उसके साथ ही यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm ऑडियो जैक, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट और NFC का भी सपोर्ट मिलने वाला है जो कि दोस्तों ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो दोस्तों ये तो पहले ही ऑफिशियली कंफर्म हो चुका था कि इसका प्राइस 25,000 के नीचे ही होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे 25,000 के नीचे स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर, इनडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, पॉपअप सेल्फी कैमरा और रियर साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा भी मिल जाता है। तो दोस्तों देखा जाए तो ये फ़ोन किसी भी फ्लैगशिप फ़ोन से टक्कर दे सकता है और ये सही में एक फ्लैगशिप किलर फ़ोन बनने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसकी इंडियन लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों ये फ़ोन 28 तारीख को चाइना में लॉन्च हो रहा है, उसके एक महीने के अंदर ही ये फ़ोन इंडिया में भी आने वाला है। तो दोस्तों यही था Redmi फ्लैगशिप के बारे में कुछ कन्फॉर्मेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए।